मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वनटांगिया गांव में उनके द्वारा वर्षों से मनाए जा रहे दीपावली मनाने के कार्यक्रम के दौरान आयोजकों द्वारा अमृत महोत्सव के मद्देनजर 75 वर्ष से अधिक के लोगों को भी सम्मानित करने के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान सम्मानित हुए एक बुजुर्ग सीएम योगी से मंच पर कुछ कहते हुए नजर आए, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उन्हें आश्वासन देते हुए नजर आए। मामले का पता तब चला जब सीएम योगी ने अपने उद्बोधन में मंच पर हुई घटना का जिक्र किया। हुआ यह था कि बुजुर्ग ने सीएम योगी से इस बात की शिकायत की कि कुछ लोग कच्ची दारू बेच रहे हैं और कई लोग इसका सेवन कर रहे हैं। अपने संबोधन में सीएम योगी ने मंच पर बुजुर्ग की कही बात का जिक्र करते हुए आम जन से शराब ना पीने की अपील करते हुए कहा कि शराब पीना अच्छी बात नहीं है और इसका सेवन ना करने की अपील करते हुए सभी को दीपावली की शुभकामना दी। अभी मैं आया था, एक बुजुर्ग आए थे मेरे पास, वो कह रहे थे कि कुछ लोग शराब पी रहे हैं। ये बहुत बुरी बात है, न शराब बनाना है न शराब पीना है, क्योंकि ये नुकसान पहुंचाएगा। और इसलिए इससे बचते हुए अपने बच्चों को पढ़ाइए, खूब पढ़ाइए, मेहनत से आगे बढ़ाइए, वह भी व्यवस्था का एक हिस्सा बन सके, समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति कर सके। आज दीपावली के अवसर पर आप सबकी भी व्यस्तता होगी, आप सबको मैं एक बार फिर से दीपावली की ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और दीपावली का यह पर्व आपके जीवन में उल्लास का, उमंग का माहौल प्रतिदिन ला सके, इस विश्वास के साथ आप सभी को मैं दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाले समय में यहाँ पेयजल की व्यवस्था भी हम लोग देने जा रहे हैं, ओवरहेड टैंक के माध्यम से, टंकी के माध्यम से घर घर पानी, जल जीवन मिशन के अंतर्गत। और जो बचे हुए मोहल्ले हैं वहां पर भी इंटरलॉकिंग के साथ साथ आवास की सुविधा और अन्य सुविधा का लाभ देंगे। आप सबको मेरी हृदय से बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।